पे रुख करते हैं कुछ और खबरों का। खबर भोपाल से है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा के बाद आज रात से शराब दुकान के अहाते बंद हो जाएंगे। बता दें आपको, 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब दुकान में अहाते नहीं होंगे। सीएम शिवराज ने इस संदर्भ में बड़ा ऐलान किया था और 12 बजे से शराब प्रेमियों को जरूर झटका लगेगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की थी और उसका असर होगा, 1 अप्रैल से अहाते बंद हो जाएंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सभी शराब दुकानों के अहाते बंद हो जाएंगे मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद। 1 तारीख से इसका असर देखने को मिलेगा। आज रात 12 बजते ही शराब दुकानों के अहाते बंद हो जाएंगे। जाहिर है इससे शराब प्रेमियों को थोड़ी निराशा हाथ लगेगी, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था बीते दिनों शराब दुकानों के अहातों को बंद करने का, और जनहित की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक तरह से जनहितेशी फैसला है मुख्यमंत्री के पास। इस संदर्भ में कई दफा अलग अलग समाज सेवियों ने भी मांग रखी थी। नई शराब नीति मध्य प्रदेश में हाल ही में आई थी और 1 अप्रैल से अहातों के खुलने पर रोक लगा दी गई। देखिए, यह फैसला जनहित में लिया गया है, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि प्रदेश में शराब की दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी। सीएम शिवराज का वो बयान आपको सुनाते हैं, बीते दिनों जब उन्होंने दिया था शराब दुकानों के अहातों को बंद करने के संदर्भ में। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कोई दारू का अहाता नहीं बचेगा, सब बंद कर दिए जाएंगे। 31 मार्च तक का ठेका 1 अप्रैल से बंद। अब जिसको पीना है भैया घर ले जाओ बोतल, और घर में बहनों से कह रहा हूं जरा लठ तैयार रखना, और भांजे भांजी को भी झुमा दू, पापा अगर बोतल खोले तो पकड़ लेना कि ये नहीं चलेगी। ये जनता की जिंदगी बदलने के प्रयास है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश में कोई दारू का अहाता नहीं बचेगा, सब बंद कर दिए जाएंगे। 31 मार्च तक का ठेका 1 अप्रैल से बंद। अब जिसको पीना है भैया घर ले जाओ बोतल, और घर में बहनों से कह रहा हूं जरा लठ तैयार रखना, और भांजे भांजी को भी झुमा दू, पापा अगर बोतल खोले तो पकड़ लेना कि ये नहीं चलेगी। ये जनता की जिंदगी बदलने के प्रयास है। 1 अप्रैल से मध्य प्रदेश। तो सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह वो बयान है जो बीते दिनों उन्होंने दिया था शराब दुकानों के अहातों को बंद करने के संदर्भ में, और उसी का असर है कि आज रात 12 बजते से ही, यानी 1 अप्रैल की तारीख का इंतजार था और 1 अप्रैल से ये सभी अहाते बंद हो जाएंगे। चलिए इस खबर पर रुक करेंगे, और बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर भी जुड़ेंगे, और भी हम रुक करेंगे, लेकिन पहले दीपक का रुक कर लेते हैं। दीपक, अभी आप कहां पर मौजूद हैं? जाहिर है जनहितेशी फैसला है, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए सीएम ने फैसला लिया था जिसका असर आज से शुरू होगा। जी जी, अभी हम राजधानी भोपाल के 10 नंबर स्थित अहाते पर है, और यहाँ पर भी अब कल से अहाते बंद होना 1 अप्रैल से, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। और अभी हम अहाते पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो लोग हैं यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और वो अलग अलग जो है लोग यहाँ पर अहाते में इस दो यहाँ पर जो बंदी करना है अहाते की शराबबंदी को लेकर जो फैसला लिया गया था, जैसे सीएम शिवराज कह रहे थे कि घर पे जाकर शराब पिए, तो यहाँ पर लगातार अभी जो लोग पहुँच तो रहे अहाते में, पर हाँ कल से जरूर बंद हो जाएंगे। हमने कुछ बात भी करी थी यहाँ पे जो अहाते चलाते हैं, उन्होंने यह भी कहा है कि ये जो अहाते यहाँ पे चल रहा है, अभी इस तरह का कोई नोटिस अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ कि कल से बंद करना है, पर जो रोज रेगुलर टाइम है उस टाइम पर तो जरूर बंद करेंगे। पर हाँ, जो 1 अप्रैल से जो अहाते बंद करना थे, तो उसका निर्णय कितनी जल्दी लागू होता है, कब से इसका असर होता है, पर जब अब ये 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू होना, इसको लेकर शराब की दुकानों पर भी डिस्काउंट आज किया जा रहा है, एक के साथ एक शराब यहाँ पर इस तरीके से फ्री कर दी गई है, तो हो सकता है स्टॉक खत्म करने के बाद क्या ये अहाता संघ संचालक इस निर्णय को लेकर, अहाते बंद करने वाले निर्णय को लेकर क्या हड़ताल करता है, धरना प्रदर्शन करता है, पर अभी इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई है। जरूर ये अहाते की जो बात करें, आज हम राजधानी भोपाल में, तो यहाँ पर
लगातार अभी लोगों को पहुंचने का दौर जारी है और आज रात 12 बजे के बाद से यह निर्णय दीपक लिया जाएगा। जी चलिए आप बने रहे हमारे साथ दीपक, हम कुछ और हमारे सहयोगियों का रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए। मनोज जी, जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए एक जनहितेशी फैसला हम इसे कहेंगे, नई शराब नीति के तहत मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया था, इसका फायदा प्रदेश की बहन बेटियों को, कई लोगों को होगा। देखिए निश्चित रूप से बहनों को फायदा होने वाला है, बेटियों को फायदा होने वाला है, और घर में वो पत्नी जो हमेशा जो भी शराब पीकर घर में आते थे परेशान होती थी उनको, देखिए आप मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं और आप देखिए सबके हाथ में नई शराब नीति का स्वागत किया जा रहा है, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी कहा जा रहा है। ये सब वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले को लेकर काफी खुश हैं और मन में यही चल रहा है कि शायद इस तरह के फैसले बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में और इसलिए क्या कहेंगे आप आज सब लोग यहाँ क्या धन्यवाद अदा कर रहे हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, शिवराज जी ने हमेशा ही बहनों के अधिकारों में फैसला लिया है, चाहे उनको सामाजिक तौर पर सशक्त करना हो, राजनीतिक तौर पर सशक्त करना हो या आर्थिक तौर पर सशक्त करना हो। और इस बार का ये जो कदम है नई शराब नीति को लेकर, जो अहाते बंद करने का फैसला है उसको लेकर प्रदेश भर की महिलाओं में अपार उत्साह है, वो अपने भाई को दिल से आशीर्वाद दे रही हैं और इस निर्णय का स्वागत कर रही हैं। आप लोग क्या मुख्यमंत्री जी ये भी कह रहे थे कि यदि घर में आता है कोई शराब पीकर तो बहनें तैयार हो जाए, डंडे साथ रखिए, तो क्या किसी को आप जागृत कर रहे हैं, लोगों अपनी महिलाओं को बता रहे हैं आप? हाँ, ये सब हम लोगों ने महिलाओं से बात तो की है, मगर महिलाएं इस चीज के लिए जागरूक भी हैं और ये मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी जो उन्होंने आहते बंद करने का फैसला किया है। जो शराब पी के घर में पहुंचेगा वो डंडे खाएगा? बिल्कुल 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 तैयार है, महिलाएं भी तैयार है। समझा दिया आपने लोगों? हाँ बिल्कुल समझा दिया। क्या कहा आपने महिलाओं से? हमने महिलाओं से यही कहा है कि हमें अपने भैया जी का बिल्कुल रखना है, पालन करना है, जहां भी आपको दिखे कि कोई शराब की बोतल लिए हुए है तुरंत जाइए और उसका ऑब्जेक्शन उठाइए। तो उपचार किस तरह का करेंगे आप लोग? जी उपचार करेंगे, अशिष्टता कोई करेगा या इस तरह की असामाजिक गतिविधि देखेंगे निश्चित ही, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा संबल मिला है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो हम लोग तो कल तो अहाता दिवस के रूप में 1 अप्रैल मनाने वाले हैं और अत्यंत खुश हैं सभी बहनें। ये भी कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि जैसे ही भी कोई आए या कहीं दिखता है तो बहनें निकल जाए, और बहनें यदि कहां अहाते खुले दिखते तो क्या आप लोग बंद कराने वाले? हम लोग जाएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारी चिंता करी बहनों की और इतना अच्छा निर्णय लिया, हम इसके लिए उनका धन्यवाद भी प्रेरित करते हैं सारी बहनों की ओर से। और यदि ऐसा कुछ हुआ तो हम सब निकलेंगे सड़कों पे डंडे लेकर जाने वाले। बिल्कुल वो समय बताएगा, मगर मुख्यमंत्री जी का आदेश का पालन बहनें पूरी तरीके से करेंगी। आपको मालूम है कि महिलाएं बहुत, नारी शक्ति जो है बहुत सशक्त है, नारी शक्ति बहुत सक्षम है और हर काम के लिए एक आवाज में सारी महिलाएं जो है इकट्ठी हो जाती हैं। तो हम सब एक इनका जो मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो निवेदन है या हम लोग को नारी शक्ति प्रदर्शन के लिए जो भी एक स्टेप उठाया हुआ है उसका हम लोग शक्तिशाली पूर्वक पूरा उसका निर्वहन करेंगे। शक्तिशाली का मतलब आप समझ रहे होंगे, क्या होता है शक्तिशाली? शक्ति मेला होती है, सब संगठित होकर सबको समझा दिया है कि डंडे अंडे तैयार रखें। देखिए एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया है और संविधान के तहत कानून के तहत हम लोग सबसे पहले तो अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाएंगे, महिलाओं के बीच में भी जा रहे हैं और पुरुषों के बीच में भी जा रहे हैं, क्योंकि वे पुरुष भी हमारे भाई हैं जो इसका सेवन करते हैं, उन्हें सबसे पहले ये बता रहे हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है शराब का सेवन और साथ साथ में जो पारिवारिक गतिविधियां जो जीवन होता है उसको भी नष्ट करने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर नारी शक्ति नारी स्वरूपा आगे निकलेगी जरूर, पर समझाइश के लिए, और समझाइश के बाद भी ना समझे तो संवैधानिक तौर पर उसका निर्णय लिया जाएगा। संवैधानिक निर्णय लिया जाएगा, लेकिन संवैधानिक निर्णय तो हम समझते क्या होता है, पर कुछ बता नहीं रही शायद महिलाएं क्या करने वाली है, लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं जो तैयार है मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा है, और एक बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश सरकार का दीपक दिखाई देगा कि नई नीति जो लागू होने जा रही, यानी 1 अप्रैल से आहते बंद और जो भी घर जाएगा शराब पीकर, तो आप देख ही रहे तमाम महिलाएं तैयार हैं। का फैसला जो लिया है सीएम ने उसका स्वागत ये महिलाएं कर रही हैं और उनके चेहरे से वो खुशी भी झलक रही है। आप बने रहे हमारे साथ मनोज जी। उमेश पारशर का हम रुख करेंगे, ग्वालियर से हमारे सहयोगी जुड़ गए। उमेश कहां पर आप मौजूद हैं और क्या कहना है शराब प्रेमियों का, शराब अहाता जो संचालक है उनका, क्योंकि शराब दुकानें खुली रहेंगी लेकिन अहाते बंद हो जाएंगे, शराब प्रेमियों को झटका लगेगा लेकिन महिलाएं बेटियां ज्यादा खुश हो रही है इस फैसले से।
देखिए इस दीपक, इस समय मैं फूलबाग चौराहे पे जो शराब की दुकान है वहाँ खड़े हैं और निश्चित तौर पर ही जो नई शराब नीति आई है सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो महिला है उनके लिए, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को ये तोहफा दिया है और महिला भी स्वागत करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि जो शराब दुकान पर जो शराब पीकर आहते पर जो शराब पीकर उनके घर पर जो परिजन जाते थे कहीं ना कहीं हमेशा देखा जाता था मारपीट जैसी स्थिति बनती थी, कई महिलाएं ऐसे परेशान थी और लगातार जो मध्य प्रदेश की सरकार से अपील कर रही थी और सरकार ने 18 जो फरवरी को कैबिनेट में फैसला भी लिया था और आज रात 12 बजे सारे जो आहते मध्य प्रदेश में हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और कहा जाएगा एक ये बड़ा फैसला। इस समय आप देख सकते हो तस्वीरों में अभी ये जो आहाता है वो अभी चालू है, हालांकि दुकान संचालक से हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी किसी तरह का कोई भी नोटिस उनके पास नहीं आया है ना ही कोई सूचना आई है, तो यानी कुल मिलाकर अभी तो ये आहाते चालू हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ही आज रात 12 बजे के बाद सारे मध्य प्रदेश के जो आहाते बंद होंगे वो किस प्रकार से इसमें सख्ती बताई जाएगी। आप देख सकते हो दुकान में अभी जो आहाता है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर जो आबकारी विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात की तो उनका कहना है कि वो पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है और कोई भी यदि आहाता चालू दिखा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, यानी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश का कहीं ना कहीं असर होते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो तस्वीरों में सर क्या आदेश है, देखिए अभी बिल्कुल ये दुकान संचालक है वो अभी बोल नहीं रहे, लेकिन साफ तौर पर अभी आहाता चालू है, पूरी तरह से लोग हैं वो यहाँ पर बैठकर शराब पी रहे हैं। इसका असर अब जरूर और बेहतर हमें कल से देखने को मिलेगा जब ये पूरी तरह से अमल में आ जाएगा, ये फैसला जो है आज रात से 12 बजे से देखने को मिलेगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, मनोज जी, दीपक जी और उमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। फिलहाल 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शराब नीति के तहत सभी आहाते बंद हो जाएंगे और उसका असर देखिए आप बहुत जल्द प्रदेश में देखने को भी मिलेगा। तो जाहिर है मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद अब नई शराब नीति के तहत आहाते बंद हो जाएंगे, रात 12 बजे से यह फैसला अमल में लिया जाएगा।